नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के गांव खेड़ी चंदवा में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, हत्यारोपी नौकर को किया गिरफ्तार। नाभा थाना सदर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 2 किलो अफीम की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के गांव खेड़ी चंदवा में 25 फरवरी को दोपहर के समय महिला परमजीत कौर के सिर में कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है और इस कत्ल के आरोपी घर में काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP संगरूर सुरेंद्र लांबा ने बताया कि मृतक का परमजीत कौर के घर में पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार नौकर का काम कर रहा था। वह अपनी मालकिन पर गंदी नजर रखता था और 25 फरवरी की दोपहर को 1 बजे के करीब वह घर आया तो मालकिन घर में अकेली थी। इस दौरान उसने छेड़छाड़ की, जिसका मालकिन ने विरोध किया, जिससे गुस्साए नीतीश कुमार ने पास ही पड़ी कुल्हाड़ी से अपनी मालकिन परमजीत कौर का कत्ल कर दिया। नीतीश इतना शातिर निकला कि जब पुलिस और मीडिया घर में पहुंची तो वह कहीं नहीं गया और मौके पर ही मौजूद रहा और मीडिया को बाइट देता रहा, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को संगरूर के रेलवे स्टेशन से काबू कर लिया, जहाँ से वह बिहार भागने की फिराक में था। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। उधर जिहड़ी गल सामने आई निकल के, काफ़ी एंगल्स से असं काम कर रहे थे, क्योंकि घर के अंदर कतल होया है ना जी, बेड़े दे विच कतल होया, ते उस टाइम जिहड़े उन्हां दे वर्कर सीगे दो वह हाजिर सीगे, ते उस तो अलावा हसबेंड बाहर गए सीगे, बेटा भी उन्हां दा बाहर सीगा। मल्टीपल एंगल्स से साडी टीम ने काम किया, ते उस तो बाद जिहड़ी गल सामने निकल के आई कि उन्हां दा जिहड़ा एक सर्वेंट सीगा जिहड़ा काम करदा सीगा, एक ही परिवार के दो बंदे उन्होंने घर से काम करते हैं, बड़ा बेटा तो छोटा बेटा, तो वो जो छोटा नीतीश कुमार जरा जिंद उम्र लगभग 20 साल है, वो जड़ा है उन्हें मर्डर किया। आ चीज़ सामने आई जिदे गल डिटेल से पड़ताल करने पता लग्या कि आ जड़ा नीतीश कुमार हैगा जिंद उम्र लगभग 20 साल हैगी, आ अपने घर की जी मालकिन हैगी उत्ते माड़ी निगाह रखता स, तो पहला भी एक आधी बार घर से इस तरीके की चीज़ सामने आई, जेडे डिसीज्ड है उन्होंने हसबेंड के ध्यान से आई, तो उन्होंने इन दबका दुबका मारिया पहला, तो हूँ जदों आ बार मार्केट जाके वापस घरे आया तो घरे मालकिन अकेली सी, तो इन्हें थोड़ी जी बदतमीजी की, छेड़खानी करने की कोशिश की, तो उन्हें अगों जोड़ा हैगा ये मतलब दबका मारिया, तो ये मतलब चपेट चपेट कोई मारी, तो आ एग्रेसिव होके इन्हें जोड़ा है फरदर कि भी मैं एक्सपोज हो जाऊँगा या मतलब मैं किसी तरीके का नुकसान होएगा, इन्हें सामने तो वो एक कुलाड़ी नाल जोड़ा वो नेड़े पई सी वो दो वार करके हत्या की। पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम को लेकर पुलिस की ओर से लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी के तहत नाभा थाना सदर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO गुरप्रीत सिंह भिंडर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सरवन कमावत के तौर पर हुई है, जिसके पास से 2 किलो अफीम बरामद की गई है। नशा तस्कर राजस्थान का रहने वाला है और पिछले 1 वर्ष से पटियाला में किराए पर रह रहा था। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। इतने एक सरवण कमावत नाम का लड़का इन्हों जो चक्की हालत जाता दिखा, जो इन्हें चेक किया तो वो बैग के जी 2 किलो अफीम जो लैके आया हुआ जी, हूँ तक वो दसण मुताबक राजस्थान नागौर जिले का रहने वाला, उतों अफीम लैके आया जी, अगे वो किसी की वेट कर रहा है पर बंदा उस टाइम नहीं पहुंचा, उसको पहले ही काबू आ गया। सर ये काम की करता जी, इन्हें पटियाले सरहद रोड से कोई किराए पर कमरा लिया होया और ये नाल जिहड़ियां नवीं कोठियां बन दियां टाइलां लाउण दा काम करदा, मिस्त्री आ, लेबर दा ठेका भी लैंदा नाल, आप भी काम करदा नाल ठेके भी लैंदा। किन्ने टाइम तों रह रिहा पंजाब च इत्थे? इहदे दस्सण मुताबक कोई करीब 1-1.5 साल तों इत्थे जिहड़ा रह रिहा है। इह किहनूं देणा सीगा पता लग्गिया जी? इहदे फोन च नंबर ने दस्सिया, 1-2 जिहड़े अगे वो डिटेल असीं कढ़ा रहे हां, क्योंकि फिलहाल इह कहिंदा बंदा उत्थे नहीं आया, उहदी वेट ही कर रहा सी जदों साडे कोल फड़िया गया। पहलां वी हैगा क्रिमिनल परचा कोई?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਆਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਸਰਜਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜਾਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਓਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ। ਆਈ ਵੀ ਹਸਪਿਟਲ ਕੇ ਚੀਫ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਸਰਜਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭਸੇ ਆਮ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੋਸ਼ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਔਰ ਬੜਤੀ ਉਮਰ ਜੈਸੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਵ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਵਾਤ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹਿਰਦੇ ਰੋਗ ਸਭਸੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਸਾਂਸ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨੋਂ ਕੋ ਦਵਾ ਸੇ ਠੀਕ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਵ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਆਪਣੇ 20 ਵਰਸ਼ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਮੇਂ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਿ ਵਾਲਵ ਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਰਟ ਕਾ ਜੋ ਵਾਲਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ, ਆਜ ਹਮ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨਕੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਕੇ। ਤੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੋ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਬਤਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨਕੋ ਹਾਰਟ ਕੇ ਵਾਲਵ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪੇ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਰਿਸਕ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਨੋਰਮਲ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। तो जो आम तौर पे अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा लोग लेट आते हैं, उनके जो है उनको डर होता है कि भाई हार्ट वाल्व ऑपरेशन है, देखो बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन जब ज़रूरी है तो उसका अगर सही टाइम पे हो तो रिस्क 1-2% से ज़्यादा नहीं है और उसके बाद उसमें आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी व श्री राम भक्तों के सहयोग से 29 मार्च को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर से बाद दोपहर 2 बजे निकलने वाली श्री राम नवमी शोभा यात्रा की तैयारियों व इस शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए संत समाज के अध्यक्षता में पहली विशेष बैठक 5 मार्च को शाम 5 बजे दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में होगी। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गुप्ता व कैशियर पविंदर बहल ने बताया कि इस बैठक में जहां संत समाज भाग लेगा वहीं विभिन्न मंदिर समितियों के प्रतिनिधि व श्री राम भक्त शामिल होकर इस शोभा यात्रा को विशाल रूप देने के लिए विचार साझा करेंगे। महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता व कैशियर पविंदर बहल ने शहर के सभी मंदिरों के पदाधिकारियों व श्री राम भक्तों को 5 मार्च को शाम 5 बजे सवेरा भवन में पहुंचने का आग्रह किया। मिथिलांचल एकता कल्याण सभा ने कबीर नगर में फूलों की होली खेलकर होली महोत्सव मनाया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अजीत सिंह बिट्टू पहुंचे। मिथिलांचल एकता कल्याण सभा की ओर से अजीत सिंह बिट्टू का स्वागत किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बद्री नारायण झा, अध्यक्ष शिव शंकर कुशवाहा, राम सेवक प्रीशन साहनी, पंकज चुन्नू गुप्ता, लाल बाबू सहित बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने होली महोत्सव का आनंद उठाया। Jai 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 Jai
पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों को करारा झटका दे रही है। पार्टी ने कुछ ही दिनों में विपक्ष को झटका देते हुए कई नेताओं को शामिल किया है। इसी के तहत विधायक रमन अरोड़ा और आप नेता दिनेश जल ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन को करारा झटका देते हुए कुलदीप लुबाना को अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल कर लिया। इस दौरान पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक इंद्रजीत कौर मान, राजविंदर कौर थ्यारा, दिनेश ढल, अमृतपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी में शामिल हुए नेताओं व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सुन के बहुत ही मन खुश होया है कि सारे हल्कियां दे विच्चों एक तो हजारां दी गिणती दे विच दूजियां पार्टियां दे लोक आम आदमी पार्टी में शामिल होने को तैयार बैठे ने और चंगे चंगे आगू अकाली दल दे, कांग्रेस पार्टी दे, भारतीय जनता पार्टी दे और भारत BSP दे जेड़े आम आदमी दियां नीतियां जो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने चाहे बिजली दे बिल माफ़ किए ने जां होर पॉलिसीज़ आ रही ने डे बाय डे उन्हां तो खुश हो के जिस तरह नौजवानों को रुजगार दिता जा रहा है उस तो खुश हो के बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वास्ते तैयार बैठे ने। असी सारिआं दा दिलों स्वागत करते हुए आने वाले समय च हल्का वाइज सारे साथियों नूं ज्वाइन करावांगे और हल्का वाइज अज तो बाद साडी एक्टिविटी पूरी तरह पूरे जोर नाल शुरू हो चुकी है। असी जिला पद्धर तो लैके ब्लॉक पद्धर तो लैके सर्कल पद्धर तो लैके बूथ पद्धर तक ते अपनियां एक्टिविटी कमेटियां बना के जो सरकार दीआं नीतियां ने घर घर पहुँचावांगे। जो असी अगे नूं करन जा रहे हैं वह भी दसांगे ता कि ये जड़ी जिमनी चोण आ चुकी है बहुत ही दुख की गल है। वैसे तो सरदार चौधरी संतोख सिंह जी चले गए परंतु जिमनी चोण आ चुकी असी इस चोण नूं लड़ांगे क्योंकि पिछले समय तो अकाली दल है जां कांग्रेस है जां भारतीय जनता पार्टी है जां BSP है इन्हां ने हमेशा फिरका प्रस्ती की राजनीति पंजाब दे विच कीती है। अज भी साडे देश दे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी तो डर के उन्होंने साथियों झूठे केसा च उलझा रहे हैं वो असी निंदा भी करते हैं और असी चैलेंज भी करते हैं कि तुम जिन्ने मर्जी केस ED दे CBI दे दर्ज कर लो तुसी 8-9 महीने तो साडे डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के बैंक लॉकर देख ले उन्होंने घर की तलाशी ले ली उन्होंने पिंड की तलाशी ले ली ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਪੋਨੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਆ BJP ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਔਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਇਮਚੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਰ
ताज़ा मामला होया मनीष सिसोदिया जी के उत्ते जिहड़ा केस होया ते सतेंद्र जैन जी के उत्ते जिहड़ा केस होया उस तो बाद उन्होंने अस्तीफा देता तो केजरीवाल जी ने वह अस्तीफा जिहड़ा है मंजूर भी कर लिया की कहना चाहो। देखो जिहड़ा आम आदमी पार्टी जो अच्छी नीतियां दे काम कर रही है जिदा विद्या के खेत्र के मनीष सिसोदिया जी ने पूरे वर्ल्ड के अपना नाम और आम आदमी पार्टी का नाम बुलंदियां ते लिया ये उन्होंने वह खुमियाजा इन्होंने भुगताया वा। बीजेपी इस वेले पूरा डर रही है भी कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वह लोग सभा दे विच जिहड़ी इन्हां नूं टक्कर देन जा रही है वो तो घबराते हुए उन्होंने दबाण के खातर उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं। मनीष सिसोदिया जी एक पाक इंसान ने जो हम तुसी हाई कोर्ट ने या कोर्टा ने उन्होंने जो साफ सुथरा सही नीति करके उन्होंने बाहर भेजना तो लोगों पब्लिक को उन्हों की अच्छाई का अपने आप पता लग जाना। इस वेले बीजेपी मोदी अमित शाह जी घबराए हुए हैं कि अच्छिया नीतियां जिहड़ियां आम आदमी पार्टियां जिहड़ियां लोग भलाई दी नीतियां आम आदमी पार्टी अपना रही है उन्होंने घबराहट देख के हुण तुसी देखो घर भी छांप ले मुहल्ला भी छांट लिया पिंड भी छांट लिया रिश्तेदार भी छांट ले जदों कुछ नहीं मिलिया उहदे बावजूद बेहतर करके किसी भी गल नूं नचोड़ के करते हुए उन्होंने उन्होंने गिरफ्तार किया पर वो इन्हां दे उत्ते जिहड़े भी आरोप लगे निराधार हैगे। और दूसरी गल जिहड़ा अस्तीफा देन दे विच उन्होंने नैतिक अपना यह फर्ज समझिया भी जिन्ना चक्कर मैं पाक होकर साफ होकर बाहर नहीं आवांगा मैं अपना अस्तीफा दिता है और जदों ही वो बिल्कुल पाक होकर बाहर आ जाएंगे अस्तीफा उन्हों का वापस करके फिर उन्होंने उही सम्मानजनक जगह के उत्ते बिठाता जाएगा। बजट सैशन को लैके काफ़ी लंबा अड़िका चलता रहा पंजाब सरकार ते गवर्नर दे विचकार ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हुण जिहड़े ऑर्डर दे दिते गए आ 3 मार्च तो हुण जिहड़ा बजट सैशन फिर तो शुरू होने वाला है इस दे बारे की कहो। देखो सच्चाई की हमेशा जित होंदी है गवर्नर साहब जिन्ना मर्जी रोल कप्पर कर लैन पर सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी आखिर उन्होंने झुकना पिया और 3 तरीक तो बजट सैशन शुरू हो रहा यह साढ़े पंजाब वासियों से बड़ी खुशी की गल है कि साड़ी सच्चाई की जित हुई है और बुराई की हार हुई है। आखिरी सवाल है कि जिमनी चोणां नूं लैके की तैयारी है आम आदमी पार्टी की? अज बटसर साहब ने पहली मीटिंग लीती है और उहदे विच उन्होंने सानू जो उन्हों का एक्सपीरियंस हैगा उहदे मुताबक उन्होंने सानू दस्या वा भी बूथ लैवल तो लैके किस तरह असी जिहड़ी जिमनी चोण है उहदी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने सुझावों ने सानू बहुत ही फायदा देने वाले जिहड़े उन्होंने सुझाव दिते है कि उहदे नाल असी किस तरह असी अपनी जिमनी चोण जीत सकते हैं और मैनू उम्मीद है कि उन्होंने सुझावों ते चल के असी बड़े वड्डे मार्जन दे उत्ते ये चोण नूं जित्तांगे जी। करतारपुर में बागवानी विभाग में कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 65 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक बलकार सिंह डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह के अलावा अलग अलग विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कई बार असी ग्रेडिंग नहीं करते उहदे नाल सानू उन्नी कीमत नहीं मिलती जिन्नी मिलनी चाहिए क्योंकि जिहड़ा कोई माड़ा मोटा कोई जिहड़ा डी ग्रेड का कोई फ्रूट है जां वैजिटेबल आ उह कढ के असी अलग तो उह थोड़ी हुंदी आ पर जदों दिखदी आ उह नुकसान ज़्यादा करदे। सो साडी कोशिश है कि असी किसानां नूं जिहड़ा उहनां नूं चंगी टैक्नीक नाल जोड़ीए और वो अपनी फसल का चंगा मुल जिहड़ा लै सकन। और इधर असी आए हाइड्रोपोनिक जिहड़ी नवीं टैक्नीक आ जिहड़ी इजराइल की टैक्नीक है उहदे च भी असी चाहुंदे कि किसान इधर भी जुड़न क्योंकि हुण बहुते किसानां लई भी जमीन है जिहड़ी वह इन्नी ज़्यादा नहीं है तो इहनूं वो वरत के अपने जिहड़े घर का गुजर बसर है चंगे तरीके नाल है जिहड़ा कर सकदे ने और इहदे च जिहड़ियां सब्जियां हुंदियां ने जां जो भी हुंदा वो अच्छी क्वालिटी का हुंदा और उच्च ज़्यादा स्प्रेहां रेहां की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। सो इस करके सानू समय दे नाल जिहड़ा इस पासे वल मुड़ना पैना तां कि असी अपना जिहड़ा किसानी आ खेती आ उहनूं जिहड़ा बचा सके। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद वीनू सहगल गोपाल पांडे बिनी सावरिया चंद्र कन्हैया डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया।
जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। फड़ी मेरी रस्ते में तू मिल गए, रस्ते में तू मिल गए, रस्ते में तू मिल गए, बंजर जमीन बिच फूल दाती भारतीय सेना के पहले चरण में JCO ORR की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की गई, जिसमें सभी उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है वे दूसरे चरण में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरेंगे और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां उनका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, इसलिए उम्मीदवार अपना आवेदन 15 मार्च तक ऑनलाइन भर सकते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो मेन रिक्रूटमेंट में इस बार इस साल से चेंज किया है, वो पहले रिटन टेस्ट किया जाएगा, बाकी जो कार्रवाई है फिजिकल रैली में आने की, उसके बाद मेडिकल होने की, वो उसी प्रकार से होगी जैसे पहले होती थी। कारण ताकि जो सीरियस बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो रिटन पास करके रैली में आराम से अपना हुनर दिखा सकते हैं और फिजिकल और मेडिकल में अच्छी तरह से पास हो सकते हैं, ताकि रैलीज में ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो और बेतरतीबी ना हो। ITI के इस साल वेटेज काफ़ी बढ़ा दी गई है रिटन में, जिसमें पूरे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी इसके बारे में दिया हुआ है जॉइंट इंडियन आर्मी में, और मैक्सिमम वेटेज मिली है 12वीं पास बच्चे जिनके पास ITI का डिप्लोमा है, उसमें भी ट्रेड बताए हुए हैं किस किस में, मैकेनिकल में, व्हीकल में, इलेक्ट्रिकल में, उसमें पूरे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं।
फीस इस साल से 250 रुपये लगेगी इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट अपीयर करने के लिए। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा जैसे पहले होता था, सिर्फ रिटर्न पहले होगा, इससे पहले तक रिटर्न लास्ट में होता था। वुमन की भी इसी प्रकार से भर्ती होगी, उनने भी इसी प्रकार से रिटर्न टेस्ट देना होगा और रजिस्ट्रेशन जो अभी 15 मार्च तक खुली है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा और उनको सेंटर मिलेगा जिस सेंटर में आके वो रिटर्न टेस्ट देंगी। मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो पहले रन में बच्चे गिर जाते थे या नहीं आ पाते थे इंक्लोजर में पास में, उनके लिए ये बहुत आसान हो गया है। और एक बार आप रिटर्न पास हो जाएंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप आगे वाली स्टेजेस के लिए फिट हैं और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं बच्चों से यही गुजारिश करूंगा पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। ये 15 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अगले साल ही मौका मिलेगा इसको। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। संगरूर के गांव खेड़ी चंदवा में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, हत्यारोपी नौकर को किया गिरफ्तार। नाभा थाना सदर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 2 किलो अफीम की बरामद। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।